सोमवती बहन, मैं आपसे पूछता हूँ, एक तो आप आए कहाँ से? पालम से आए, पालम में ही रहते हैं आपने, आपको मनु भैया के पास आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं 2 साल से परेशान हो रही हूँ ये भूत प्रेत बात दादी ने। तो एक बार चाय और बनवा देना सबके लिए, जितने भी लोग हैं। 2 साल से परेशान हो रही हूँ मैं, डॉक्टरों को भी दिखा चुकी, नॉर्मल आते हैं। 2 साल से? 2-2.5 साल हो गए। डॉक्टर को कहाँ कहाँ दिखाया? आयुष्मान में, RML में, आई स्पेशलिस्ट सबके पास दिखा चुकी हूँ, मेरे का साइकेट्रिस्ट सबसे दिखा चुकी हूँ। साइकेट्रिस्ट को, आई स्पेशलिस्ट को क्यों दिखाया? आई स्पेशलिस्ट को सर में दर्द होता है ना, सर घूमता है, इसलिए कहते आईज में दिक्कत होगी, इस वजह से सर घूमता है। अच्छा। कोई बोलता है कि डिप्रेशन है, कोई कुछ बोलता है, ऐसे सब तो डॉक्टर उन सब चीजों की दवाई भी दे रहे हैं आप? हाँ, दवाई लेती हूँ मैं सबकी। कितनी दवाई खा रहे हैं आप? मैं काफी दवाई खा चुकी सर। एग्जैक्ट किस पॉइंट पे दर्द होता है बताने दो? यहाँ पे दर्द होता है, तो ये दर्द कभी नहीं गया? ये दर्द कभी नहीं गया, वो बाइक कभी हटता ही नहीं? कभी नहीं हटता, ज्यादा ही एक मिनट के लिए भी नहीं हटता? बहुत कम होता है जो हटता है, रेयर हटता है कि कभी हटता है दवाई लेने से। और ज्यादा कितना होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है, खोपड़ी फाड़ देने वाला? बहुत ज्यादा होता है। 2 साल से मेरे ये अंदर आना, ये भूत प्रेत वाला सिस्टम भी है, आता है, भरता है, बोलता है, सब कुछ करते हैं। तो फिर आपको पता ही नहीं चला कि यही है सब कुछ? ये भी करवा रही हूँ, डॉक्टरों का भी करा रही हूँ। कहाँ कहाँ और दर्द है? और कमर में दर्द अभी आया। हाँ, कमर में दर्द अभी आया। उसके अलावा सर में ही ज्यादा दर्द होता है। सर में ही ज्यादा दर्द है। आँख बंद कीजिए, मैं देखता हूँ आपको। क्या नाम बताया था आपने? सोमवती। कितना अच्छा नाम है। आप साथ आए हैं, साथ में खड़े हुई है। आप क्या काम करते हैं? मैं दिल्ली एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में बैठ जाए आप, नंबर आ रहे हैं सबके, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने काम ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ बैठ जाओ, उनके पास आराम से बैठो, जाप करते रहो, आपको ही फायदा मिलेगा जाप करने का। कहाँ गई सोमवती? सोमवती, 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 क्या हुआ? सुन, हो गई फूक? कहाँ कहाँ गई? पूरी बॉडी में ही चीज बैठती है फिर तेरे को? कितने सालों से ऐसी हाजिरी आती है? 2 साल से ज्यादा हाजिरी आ रही है। जब से यहाँ बिरा जाए तब छोड़ थोड़ा रहा हूँ मैं तुझे। अब देखो, मैं इसका सर हथौड़ी से तोड़ रहा हूँ। हथौड़ी तेज लगती है ना बहन जी? ठीक है, अब देखना दर्द बढ़ता है कि घटता है। क्यों जी भाई, ये तो देखो क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आपकी पत्नी ने झूठ बोला तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? सच बोला तो पता चल ही जाएगा हमें, तो आगे करेगा फारसी क्या, क्या पता है। मनु भैया को बचाने के लिए ये कह दे कि हथौड़ी लगी और सिर में दर्द कम हुआ, ऐसा भी तो होता है ना। कोई कोई आदमी ये सोच रहा था बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है। क्या फिर तू मेरी हंसी क्यों उड़ा रही है? फिर हंस क्यों रही है? हंसने का कारण तो बता। मतलब मैं मेहनत करूंगा तो तू हंसेगी या नहीं हंसेगी? मैं मेहनत करूंगा, ये हंसेगी, बता। मेरी जान निकली जा रही है, ये हंसेगी? मेहनत करने वाले की जान निकलती है कि नहीं? उसका बल लगता है कि नहीं? सही बात। तो तू फिर हंसेगी क्यों? दर्द कहाँ है? एक फूंक पूरे शरीर में, क्यों सर दर्द? दो, दर्द कहाँ है मैं पूछ रहा हूँ सर में? ये ऐसा दर्द बिल्कुल सदा के लिए कभी हटा? डॉक्टर की दवाइयां खा रही है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो डिप्रेशन, डिप्रेशन कह रहे हैं? कह रहे पागल है तू, तेरा दर्द नहीं जाता, तू नींद की दवाइयां देते हैं, सो जाता देते हैं, सो जाओ बस, और सुहा लगा देते हैं दर्द का, तो उससे भी नहीं होता आराम। हां नहीं होता। कितना पैसा तेरी इस बीमारी पे लग चुका है? ये तो नहीं से पूछो कितना लगा, कितना लग चुका है? 2-2.5 लाख 2-2.5 लाख के आसपास। कोई ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर याद है जो बहुत ही माना जाना हो, उसने आपका इलाज किया? मैं आयुष्मान में सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह सब करा दी। अच्छा, एमआरआई सीटी स्कैन में क्या आता है? कुछ नहीं आया। अच्छा, चंडीगढ़ पीजीआई दिखा दिया। जब कुछ आता नहीं तो डॉक्टर तो कहेगा भाई ये डिप्रेशन में, तो वो फिर दवाई देता है, फिर वो दवाई देता है सोने की। फिर आदमी कहीं ऑपरेशन तो नहीं बोला तेरे को दर्द का? कई बार ऐसा है ना कि पता चले सर का ही ऑपरेशन बोल दिया, डॉक्टर का कोई भरोसा आजकल रहा नहीं है लोगों को, है ना? लोगों को करना पड़ता है क्योंकि उनके पास चारा नहीं है, लोग नहीं है ऐसे जो ठीक करे।
लोगों के पास कीमत नहीं है आदमी की कि मानव की सेवा कर ले। वो जानता नहीं कि मानव की सेवा करने से ही भला हो सकता है संसार का, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो राजा प्रजा की सेवा करेगा वो सदा राजा रहेगा, क्यों सरदार जी? और जो सेवा नहीं करेगा वो सदा का राजा नहीं रहेगा। जैसे राजा ने प्रजा की सेवा की, अब उस राजा की सत्ता भी बदल दी दुश्मनों ने मिलके, लेकिन लोगों को उसकी सेवा ताउम्र याद रहेगी। आगे ना बोलो जी, सत्ता बदल जाए लेकिन सेवा उसकी सारी उम्र याद रहेगी। जिसने सेवा की है वो मेवा पाएगा ही पाएगा, उसको दुआएं मिलेंगी ही मिलेंगी। हाँ जी, फिर दर्द है सर में, ये मैंने हथौड़ी मारी, दर्द बढ़ा सर में, घट गया। फिर तो हथौड़ी बरसे, फिर तो कहते भैया हथौड़ी बरसाओ ठीक करो। एक तो वो उससे पीटता था, क्या कहते हैं, पाटन चमड़ेगा, वो अलवर के पास, अलवर के पास चमड़े वाले से पीटता था। उसका दर्द, तेरा दर्द गया कभी? उससे तो बहुत लाल हो जाते थे सारे मुंह, उससे लाल हो जाते थे। फिर मैं तो साथ साथ करके दिखा रहा हूँ, दर्द गायब हो गया उसका। पूछ भाई तू उससे, खुशी पूछ उसकी, उसकी चीज आ गई ऊपर। बहुत बुरी तरह मारता था, बुरी तरह मारता था। फिर मैं मारने के लिए थोड़ी देर बैठा, वो मेरी बहन है भाई। ये जो हथौड़ा है उसी को लगेगा जो अंदर दिक्कत दे रहा है। नहीं, जब तेरी बहन दुखी होगी तू भागेगा कि नहीं? अब वही बंदा सोचता है कि आराम हो जाए कैसे भी, तो मेरी बहन दुखी है मैं कुछ करूंगा कि नहीं? फिर तू अपनी बहन के दुखी होने पे कुछ करेगा? बिल्कुल। तो मैं भी अपनी बहन के दुखी होने पे कुछ कर रहा हूँ। अब तुझे शांति नहीं है? ठीक है, कभी अशांति में। कई बार ना आदमी ये सोचता है तो कल को ठीक हो जाएगी, ये घर के सारे राज जान जाएगी, ये सारी बातें सीख जाएगी, ठीक है फिर ये मुझे धता बताएगी। अब तो ये हुआ करके पड़ी रहती है एक तरफ, ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं, कहाँ गए गुजरात वाले, सुन नहीं रहे क्या? असल में तो वैसे ही सुनोगे, ये वैसे ही सुनोगे। कोई तो यज्ञ के आगे बैठो, खुले में लकड़ियां जलवा दूंगा, उसके आगे बैठ लेना, सीख लेना, चाय बनने लग रही है। देखो मजा लो, मैं रात के 12 बजे तक काम किया करूंगा, शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक आया करूंगा, काम करूंगा, तुम्हें हंसाता रहूंगा, फिर यहीं के यहीं सो जाना। गुरु जी जाते ही गाओ आप, है कि नहीं? ऐसे ही काम करेंगे आगे। अरे तू कब आया? अरे ससरे लद्दू, बात कर नहीं रहा, मिल रहा नहीं है, गुरु जी जय शनिदेव कर नहीं रहा। ओ तेरी गया। वो पहले आ जाते हैं, आ गया ऊपर, आ गया, आ जा ऊपर, आ गया ऊपर, आ गया। जितना आनंद शनि धाम में कहीं अन्ना जगह है ही नहीं, नहीं। जितना शनि लोक प्रसिद्ध है, शनि लोक कौन सा, यही तो है शनि लोक। हाँ, उस बहन जी से मैंने आंख बंद करवाई थी, वो कह रही थी अक्षनी लोक में पहुंच गई, यही शनि लोक में थी वो, ठीक है वो लोगों के लिए दूसरे लोक में थी, तुम समझे ही नहीं, यही तो शनि लोक है। उसका तो सर घूम रहा था, उसको तो पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, और कौन सा उसको शनिदेव के दर्शन हो रहे थे, ठीक है ना। कहाँ दर्द है? फिर कहाँ दर्द दर्द करती है? ये दिखा तेरी नज पकड़ के, देख लो हमारा नबज पकड़ने का तरीका, हम न्यू नबज पकड़ के सारी बात बता देंगे, डॉक्टर के बस की है ऐसे। फिर देखो हम कैसे नब्ज पकड़ते हैं, हाँ पूरी कलाई पकड़ ली। क्या हो रहा है? अरे तू भूतनी क्या, मेरी बहन में घुसा बैठा है, दांत पीस के दिखा रहा मुझे। अरे भूतनी के, कान पकड़ दूसरे हाथ से, कान पकड़ दूसरे हाथ से,
शामत का पता नहीं चल रहा तुझे? धसा बैठा भूतनी का। नहीं भूतनी का तो मैंने इसलिए कही है, भूत अगर किसी का बेटा है तो वो भूतनी का ही तो है ना। भूतनी का मैंने भूत को कहा है भाई। कहाँ दर्द है? हाँ, ए कहाँ दर्द है? क्या नाम है? सोमवती। थोड़ा और पीट लेता हूँ, है ना। कई लोग अपने बच्चों को पहले ही पीट लेते हैं ताकि वो बच्चा फिर शरारत ना करे। आ गए ना। इसी तरह एक अजय मेडिकल हॉल वाला था विकासपुरी में, तब मैं पहली न्यूट्रास्यूटिकल्स में काम करता था, एक कंपनी में मैं काम करता था। तो उसने क्या किया, उस सरदार को भेज देता था क्या करने, दवाइयां भेज देने लोगों को। आ गए ना जी समझ में। तो कुछ लोग आज सोच भी रहे होंगे, हो सकता है वो मुझे इस वीडियो से ढूंढ ले, मेरे साथी जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, कि मनु भैया ये वही मनु भैया है। तो अब लग रहे हैं, अब तो लग रहा है, महसूस हो रहा है तुझे? कहाँ दर्द है? यही तो शॉल पकड़ने जा रहा। अरे ना शॉल की जरूरत ना, ऐसे तो अब तो तू ये कहेगा ना बापू छोड़ दे जब पीना छोड़ साले। कौन मर गया भाई तेरा? अच्छा इसकी जगह छूट गई सर की। अच्छा डॉक्टर को पता ना चल रहा था, इतने सारे सीटी स्कैनर ये कर लिया, आधे बाल भी उतर गए गुली के। नहीं भाई ऐसे ही है ना, फिर बाल कम हुए कि नहीं इसके? फिर सीटी स्कैन को कम मान रहे हो क्या? पूरा शरीर किसी गर्म सी मशीन के अंदर जाता है फिर बाहर आता है। गुरुजी नहीं, वीके गोयल काफी देर से कॉल कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बात करूंगा ना मैं, अभी ये बनी रही है, फिर मैं कैसे करूंगा, दूसरे काम से कर नहीं कर सकता। हाँ तो मैं क्या बता रहे थे, दवाई वाली सिटी स्कैन दवाई काम करा करते ना, मेरे दोस्त पहचान। अरे बात क्या बता रहा था, ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ। दवाई देने के लिए भेजता था उस बच्चे को, वो सरदार का बच्चा था। आगे ना उसने पग बांधी हुई थी, वो लड़का जाता आया वो मेरे सामने, उसने 1700 रुपए दिए मेरे सामने, तो मेडिकल स्टोर वाले ने 100 रुपए नीचे डाल दिए गले में खोल के। मैं बोला और उसको ये कह दिया यार तू 1600 रुपए लेके आया है, तू देख के पैसे नहीं लेके आता। बड़ा साहब मैंने तो गिने थे 2 बार, 1700 थे, मैंने 1700 ही दिए, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? फिर थोड़ी देर बाद तेरी तनख्वाह में से काटूंगा, चल जा और ढंग से लेके आया कर। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, मैंने कहा भाऊ जी उनने तो 1700 ही दिए थे, 100 तो आपने गले में डाल दिए थे। अरे बोला त्यागी जी मुझे पता है उसने 1700 ही दिए थे, ठीक है ना। बोला अगर आगे कभी इसकी ऐसी हिम्मत हुई 100-200 रखने की तो कभी नहीं रख पाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे को पहले ही मार लो, पीट लो। कान पकड़ना सर फोड़ दिया जाएगा तेरा, कान पकड़ना सर फोड़ दिया जाएगा। बड़ा ठिकाना लगा होगा तुझे भाई। अब डॉक्टर की अपनी पत्नी की ऐसी सूरत हो जाए तो उसको पता चले, ठीक है ना, अभी वो फूली फूली खा रहा है, ठीक है ना। जिस दिन उसको पता चलेगा, जैसे इसको कह दिया डिप्रेस्ड है, तब पता चलेगा। और जब इसको आराम पड़ जाएंगे खुद बता देगी कितना डिप्रेशन, कहाँ इतने सालों गोली खिला दी, कहाँ इतने सालों पैसा बर्बाद करवा दिया बेचारे का, ठीक है। एयरपोर्ट पे नौकरी करके कमाते, अपने बच्चे पाले, बीमारी दिखाए, क्या करे मेरे भारत की सरकार। बहुत ही बेकार।
क्या हो रहा है बहन जी? चल खड़ी हो, ए ठीक होगी, चल खड़ी हो वहाँ बैठ, चल खड़ी हो वहाँ बैठ, ठीक है तू, चल अभी आती हूँ मैं, चलो।